हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो दोस्तों, आज अष्टमी नवमी दोनों है। दोस्तों, कन्या पूजन में जो भोग का प्रसाद बनता है अष्टमी और नवमी में, आज वो भोग का प्रसाद मैं बनाने वाली हूँ। तो आइए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये चना ले लिया था, यह कटोरी कच्चा चना। इसको रात को ही एक दो पानी से धो करके और पानी में डाल दी थी फूलने के लिए। तो चना यहाँ पर अच्छे से फूल गया है दोस्तों। और इधर मैंने कुकर बैठा दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर चना को उबालेंगे। चना यहाँ पर डाल दिए हैं, अब इसमें हम गर्म पानी डाल देते हैं। तो गर्म पानी यहाँ पर डाल दिए हैं, अब इसमें हम नमक डाल देते हैं। अब इसमें हम ढक्कन लगा देंगे और 4 से 5 सीटी लगा लेंगे। यहाँ पर 4 से 5 सीटी लग गया दोस्तों, गैस को बंद कर देते हैं। तो इसका गैस निकल गया है दोस्तों, हम चना को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, चना एकदम सीज के फट गया है। तो इसको आप साइड में रखते हैं। इधर गैस पर कढ़ाई रख दिए थे गर्म होने के लिए। ये जो चना है दोस्तों, मैं लोहे के कढ़ाई में बना रही हूँ और यहाँ पर तेल डाल दिए हैं। कढ़ाई गर्म हो गई थी, तब इसको गर्म होने देते हैं। यहाँ तेल गर्म हो गया है, तो हम जीरा डाल देंगे। और इधर मैंने यहाँ पर मसाला ले लिया है दोस्तों, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया है। नमक मैंने उबालते समय भी डाला है दोस्तों। तो अब यहाँ पर हम पानी डाल देते हैं और इसको मसाला को हम पानी में अच्छे से घोल लेंगे। तो अब डाल देते हैं मसाला तो तेल में। तो आज को यहाँ पर मीडियम कर दिए हैं दोस्तों। अब मसाला को पहले 1 से 2 मिनट तक हम भून लेंगे। तो यहाँ पर मसाला को 1 से 2 मिनट हो गया दोस्तों भून रहे हैं। तो मसाला हल्का हल्का तेल भरने लगा है, तो हम इस बीच में डाल देंगे यहाँ पर उबाला हुआ चना, जो बॉईल करके रखे थे ना, उसको डाल देंगे। चना को अच्छे से चलाकर भी भूनेंगे यहाँ पर 4 से 5 मिनट। तो चना यहाँ पर रेडी हो गया है दोस्तों, बन करके ये देखिए। अब इसको हम गैस को बंद कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है चना में से। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। तो अब यहाँ पर हम हलवा बना लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो गया था, घी डाल दिए हैं 1 चम्मच। तो यहाँ पर घी गर्म हो गया है दोस्तों। तो यहाँ पर ले लिए हैं 1/2 कटोरी सूजी, क्योंकि सूजी बन करके डबल होता है दोस्तों। तो यहाँ पर सिर्फ मैं भोग के लिए बना रही हूँ, कन्या भोग के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कटोरी सूजी ले लिया है। तब इसमें डाल देंगे गर्म घी में और इसको चलाते हुए हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम सूजी को भून लेंगे। तो सूजी को भूनते हैं यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए हैं दोस्तों, मीडियम टू लो आंच में। और ये देखिए सूजी का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तब हम यहाँ पर डाल देते हैं थोड़ी सी ड्राई फ्रूट, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट आप लोग यहाँ पर डाल दीजिए। इसको भी साथ में भून लेंगे। तो यहाँ पर अब हम डाल देते हैं दोस्तों पानी, नॉर्मल पानी में चलने वाला। फिर थोड़ा सा हम पानी इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं दोस्तों चीनी। तो चीनी आप यहाँ पर अपने मीठा के टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो चीनी अच्छे से मेल्ट हो गया दोस्तों। अब 1 कटोरी पानी इसमें हम मैं और ऐड कर दे रही हूँ और इसको अच्छे से मिलाते हुए मीडियम टू लो आंच में इसको हम ढक देते हैं। तो यहाँ पर जब तक उधर हमारा हलवा बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर आटा ले लिए हैं। आटा को मैंने छान लिया है दोस्तों। अब यहाँ पर नॉर्मल पीने वाला पानी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसका एक आटा हम तैयार कर लेंगे। आटा यहाँ पर छान करके रेडी कर लिया है दोस्तों। आटा को ढक करके कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए हम रेस्ट में छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पर हम सूजी भी चेक कर लेते हैं। तो इसको हम ढकेंगे नहीं, चलाते हुए बस इसको हल्का सा पानी सोखने तक हम मिला लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हलवा बंद करके रेडी हो गया है। तो अब इसको हम गैस को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गया दोस्तों आटा को रेस्ट किए हुए। अब हम पूड़ियाँ बेल लेते हैं और आटा देखिए कितना। तो यहाँ पर छोटे छोटे लोए बना लेते हैं दोस्तों। और इधर मैंने तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिए कढ़ाई में और इधर छोटे छोटे पूड़ियाँ बेल लेते हैं। तो पूड़ियाँ इस तरह से पहले बेल करके रख लेते हैं, फिर छानेंगे। तो इधर तेल गर्म हो गया है दोस्तों और यहाँ पर पूड़ी भी बेल लिया है मैंने। तो चलते हैं एक एक करके छान लेते हैं। अब पूड़ी यहाँ पलट दिए हैं।
तब पूरी दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है दोस्तों। अब इसको हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम बना करके रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूड़ियाँ बना लिया है दोस्तों, अब थाली को परोसते हैं। तो अब थाली परोस रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर दो पूड़ी रख दिए हैं और ये हलवा बनाई थी इसको भी यहाँ पर थाली में रखेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, अष्टमी और नवमी में बनने वाले भोग प्रसाद, कन्या को जमाने वाला भोग प्रसाद बन करके रेडी हो गया है। इधर मैंने पूड़ियाँ बना लिया है दोस्तों, इधर हलवा बना लिया है, चना बना लिया है, काली चना जरूर बनता है दोस्तों। यहाँ पर मैंने फ्रूट ड्राई फ्रूट रख दिया है। तो आज की अष्टमी नवमी में जमने वाले भोग प्रसाद की रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। फिर मिलते हैं एक नए मज़ेदार रेसिपी के साथ। हैप्पी नवरात्रा दोस्तों।